Yes, sir. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمن بالخير. आज हम इसको तदरीब 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हमने कल सलावत पढ़ना शुरू किया था। किसी के मोबाइल से बहुत शोर आ रहा है, जरा इसको फिक्स कीजिए। हाँ, तो तदरीब 4 है तबादल हिवार माजमी लिख। अपने क्लासरूम के साथ ये हिवार जो है जरा शेयर करो, कमा फिल मिसाल जैसे दिखाया गया है। तालिब इल्म एक कहेगा अना ज़ाहिबुन इलल मस्जिदी, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। दूसरा कहेगा इंतजिर, रुको रुको, अना ज़ाहिबुन मअका, मैं भी आ जाऊंगा आपके, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, मैं भी आपके साथ आ रहा। हाँ, तो फिक्स कीजिए इसको, शोर मत लाइए, फिक्स कीजिए इसको। चलिए बेटा, तो कह रहा है कि अना ज़ाहिबुन इलल मस्जिद, मैं मस्जिद जा रहा हूं, इंतजर, शोर मत कीजिए, इंतजर, रुकिए, अना ज़ाहिबुन मअक, मैं आपके साथ आ रहा, मैं आपके साथ आ रहा, ठीक है। मस्जिद यहां बनी हुई थी। दूसरा बंदा ये सेंटेंस कहेगा अना ज़ाहिबुन इलल मस्जिद, इलल मदरसे थी, मैं मदरसे जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे इंतजे, रुको, क्या कहेंगे अना ज़ाहिबुन मअक, मैं आपके साथ, मैं आपके साथ आ रहा, आई एम कमिंग विद यू, आई एम कमिंग विद यू। दूसरा है बैत, क्या कहेगा एक तौलबे इल्म, अना ज़ाहिबुन इलल बैत, बहुत अच्छा, अना ज़ाहिबुन इलल बैत। दूसरा बंदा क्या कहेगा, शाबाश। क्योंकि मेरे क्लास में लड़कियां भी हैं, तो आप जब ये संडे इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे अना ज़ाहिबतुन इलल मस्जिद, या अना ज़ाहिबतुन, इसके इसके आखिर में गोलता लगाएंगे, ज़ाहिब के आखिर में, अना ज़ाहिबतुन इलल मस्जिद, अना ज़ाहिबतुन इलल मदरसा, अना ज़ाहिबतुन इलल बैत। तो दूसरा दूसरी लड़की उस लड़की को कहेगी इंतजीरी, इसमें या उल मुखातबा लगेगा लास्ट में, इंतजरी, है ना। जब मौनस आप इस्तेमाल करेंगे फेले अमर के साथ, एक फेले अमर हो यानी एक सेगा वाहिद सेगा मुज़क्कर के लिए, तो आप कहेंगे इंतजर, लेकिन जब आप मौनस के लिए कहेंगे तो आप कहेंगे इंतजरी, इंतजी, वेट वेट कीजिए, इंतजीरी, वेट कीजिए, अना ज़ाहिबतुन मअक, ज़ाहिबतुम मअक, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ, शाबाश। फिर है अल-मुसल्ला, यानी प्रेयर रूम, नमाज पढ़ने की जगह, अल-मुसल्ला। तो एक लड़का क्या कहेगा, अना ज़ाहिबुन इलल मुसल्ला। तो दूसरा लड़का क्या जाएगा, इंतज़ीर अना ज़ाहिबुन मक्का, शाबाश। इसी तरह आप मक्का मदीना के बारे में कहेंगे, और शक्का, शक्का किसको बोलते हैं, शायद फ्लैट, बहुत अच्छा, लिखो फ्लैट, अपार्टमेंट। शक्का कहते हैं किसको, फ्लैट को शक्का कहते हैं, फ्लैट को, शाबाश, शक्का कहते हैं फ्लैट को। इसी तरह आप आगे करेंगे, जरा आप दूसरे हिवार को देखिए, हाउ विल कमा फिल मिसाल, जैसे मिसाल में दिखाया गया है, इस तरह आप भी कोशिश करो। यस्तैकिज़ु मुबक्किरन, ये बंदा जो तस्वीर में लिखा हुआ है, इस्तैकिज़ आप हुक्म दे रहे हैं, तालिबे-इल्म वन, यस्तैकिज़ु मुबक्किरन, यानी एक तालिबे-इल्म अपने यानी किसी दूसरे के बारे में आपको कह रहा है कि वो सवेरे उठता है। तो तालिबे इल्म दूसरा जो है, दूसरा बंदा, यानी वही तालिबे इल्म दूसरे बंदे को कहता है इस्तैकिज़,
सुबह नींद से उठो, बेदार हो जाओ, नींद से उठो कब? अंत आप भी मुबक्किरन, जल्दी से सुबह नींद से जल्दी उठा करो, सुबह नींद से इस्तायकिज अंत मुबक्किरन, इस्तायकिज अंत मुबक्किरन। चलिए तो यहाँ कह रहा है यस्तायकिज मुबक्किरन, वो सवेरे उठता है जल्दी। आप किसी दूसरे को कहते हैं इस्तायकिज अंत मुबक्किरन, आप भी जल्दी से उठा करें, आप भी जल्दी से उठो, ठीक है। फिर है यक्रउल कुरआन, यक्रउल कुरआन, तो हम क्या कहेंगे? यक्रउल कुरआन, यक्रउल कुरआन। और दूसरा है इक्रा, तो आप क्या कहेंगे? इक्रा अंत अल कुरआन, इक्रा अंत अल कुरआन, आप भी कुरान पढ़ो, इक्रा अंत अल कुरआन, शाबाश। इसी तरह यंतजिरु अल हाफिलता, ये बंदा जो है यहाँ खड़ा, ये गाड़ी का इंतजार कर रहा है, आप इसको क्या कहेंगे? इंतजिर अल-हाफिलता, आप बस का इंतजार करें, ठीक है, शाबाश बेटा। तो यहाँ है याकुलु तम्रा, याकुलु तम्रा, ये खा रहा यानी खजूर खा रहा है, आप उसको कहेंगे कुल, कुल, शाबाश, कुल अंत अत्तमरो, अत्तमरो, कुल अंत अत्तमरो, अंत अत्तमरो, बहुत अच्छा। इसी तरह आप है यहाँ यकनुसु अल गुरफता, कमरे को साफ कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे उसको? बहुत अच्छा। दूसरा बंदा कपड़े धो रहा है, यग्सिलुल मलाबिस, तो आप क्या कहेंगे उससे? यग्सिल अंत अल मलाबिस, आप जाकर कपड़े धोए हैं, बहुत अच्छा। युशाहिदु तिल्फाज, ये टीवी देख रहा है, शाहिद अंत तिल्फाज, अंत तिल्फाज, अतिल्फाज, आप जाकर ये करें, शाबाश। तो बेटा ये है यहाँ अब मुलखसु तरकी, जो आपने इस वक्त इस लेसन में आज तक तरकी पढ़ी है, जरा उसका एक जिस्ट है, एक जगह जमा कर दें। फॉर एग्जांपल आपने ये पढ़ा आयना तो सल्ली अल फज्र, फज्र कहाँ पढ़ते हैं? आयना तो सल्ली अल जोरा अल असरा अल मगरिब अल अशा अल जुमा, आप इस तरह एक क्वेश्चन जो आपने साथी को करेंगे, ठीक है। दूसरा आप दूसरी तरकीब जो आपने सीखी वो है अना ज़ाहिबुन इलल मस्जिद, यानी इलल मस्जिद, ठीक है, वहां आप रुकेंगे। अना ज़ाहिदुन इलल मदरसा, अना ज़ाहिबुन इलल बैत, अना ज़ाहिबुन इलल तबीब, वगैरह वगैरह, अना ज़ाहिबुन इलल मक्का, शाबाश। तीसरी किस्म की आपने जो आपने ये पढ़ी वो है ज़ा अल मुनब्बिह बी जानिबिक, उसको अपने बगल में रखो, अपने साइड में रखो, किसको? अलार्म को, अल मुनब्बिह अलार्म को। ज़ा अल कुरआन बी जानिबिक, कुरान को अपने साइड में रखो। ज़ा अल किताब बी जानिबिक, किताब को अपने इसमें रखो, साइड में, इस तरह से ये आपने सीखा। तीसरी चौथी तरकीब जो आपने सीखी, आपने ये देखा उसल्ली अल फज्र, उसल्ली अल फज्र फिल मस्जिद अल हराम, मैं फज्र की नमाज मस्जिद हराम में पढ़ता हूँ। उसल्ली अल ज़ुहर फिल मस्जिद नबवी, शाबाश, मैं मस्जिद नबी में। उसल्ली अल असर फिल मस्जिद बिलाल, मस्जिद बिलाल में पढ़ता हूँ, वगैरह वगैरह। ये चौथी, तो आप यहाँ अपनी मस्जिद के नाम, साइन मस्जिद क्या चुनाव? मरकजी जामिया मस्जिद, ठीक है, कदीम जामिया मस्जिद, और पता नहीं जामिया मस्जिद, मस्जिद बिलाल हबशी, मस्जिद हनफिया कहते हैं, मस्जिद सलफिया, और पता नहीं क्या रखा है नाम। बहरहाल कुछ पांचवी तरकीब जो आपने यहाँ देखी, देखो भाई पांचवी चीज जो इम्पोर्टेंट है, यस्ताई की दो, ये फेली मुदारा है,
यस्ताई कीजो फिर मुदर इसका इससे जब अमर बनाएंगे तो बनेगा इस्ताई किज इससे या हटा दिया और हमजतुल वसल डाल दिया क्योंकि सीन साकिन है हमजतुल वसल डाल दिया बस बाकी आप आखिरी हरफ को साकिन करेंगे तो कुछ नहीं बाकी आप देखिए सीन के ऊपर यहाँ भी जज्म है तो यहाँ भी सुकून ता के और के ऊपर यहाँ भी जबर यहाँ भी या यहाँ भी साकिन यहाँ भी काफ के नीचे यहाँ भी जेर और यहाँ भी आपके इसके अलावा कुछ नहीं करना शाबाश तो यहाँ देखिए अलिफ अलिफ हमने डाल दिया यज़ाओ जब हम यहाँ हटाएंगे तो जब हम यहाँ हटाएंगे तो ज़ाद के ऊपर जबर है यानी साकिन नहीं है जब इसके ऊपर ऑलरेडी जबर है तो हमें हमज़तुल वसल लगाने की जरूरत नहीं है शाबाश इस तरह नंबर पांच पे यंतज़िरो इंतज़िर यकनुसु यग्सिलो यग्सिल युशाहिदो शाहिद बहुत अच्छा यहाँ भी हमज़तुल वसल नहीं है याकुलो यहाँ भी हमज़तुल वसल नहीं है क्योंकि इसका हमज़ा जो है अपना हमज़ा भी ड्रॉप किया जाता है तो जनरली लिखा जाता है कुल इसी तरह आएगा फॉर एग्जांपल अमारा से मुर अखज़ा से खुज अखज़ा से खुज वगैरह चलिए भाई नंबर सिक्स देखिए लिमाज़ा अंत मुसाफिर इला मक्का लिमाज़ा हुआ मुसाफिरुन इला मक्का लिमाज़ा अंती मुसाफिरतुन इला मक्का लिमाज़ा ही मुसाफिरतुन इला मक्का या इला मदीना तो ये सेंटेंसेस इनको आप जरा दो चार बार पढ़िए ताकि ये आपकी जबान पर चढ़ जाए ताकि आप इनको अच्छी तरह समझ सके ठीक है ना yes, इसके बाद बेटा आप यहाँ देखिए यहाँ हम साउथ यानी एक आवाज स्वाद की आवाज पढ़ते हैं सीन और स्वाद में फर्क होना चाहिए ठीक है एक तो आप यहाँ देखिए सालिहुन सालिहुन इसामुन इसामुन सुहैबुन सुहैबुन साबिरुन वगैरह यहाँ देखिए सीन और स्वाद में फर्क सब्बह लिल्लाह मा सब्बह सीन सब्बह सब्बह लेकिन स्वाद जब पढ़ेंगे तो स्वाद से पढ़ेंगे सब्बह लिल्लाह मा सब्बह यहाँ है सुअरुन और यहाँ है सुअरुन यहाँ है सालिहुन सीन से ये है सालिहुन यहाँ है सदीदुन स्वाद से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सदीदुन सदीदुन इसी तरह अहसंत अहसंत लेकिन यहाँ पढ़ेंगे अहसंत अहसन अहसनत सॉरी अहसनत 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 ठीक है इसको जरा आप एक बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आपको ये वाजिया हो जाएगा अब कुरान की आयतें हैं दो चार आयतें इनको जरा हम कोशिश करेंगे पढ़ने की लेकिन इसको ज्यादा अच्छा ये है कि आप थोड़ा कुरान की तिलावत सुनकर या अगर मुझे इसकी कोई ऑडियो फाइल डाउनलोड हो गई तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला सेंड कर दूंगा वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر आप समझ रहे हैं ना यस सर بالصبر بالصبر اسی طرح دوسرا ہے وصا وصا وصافات صفا 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 وصافات صفا اس طرح سے آپ دوسری دو تین آیتیں ہیں ان کو بھی ذرا آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں گے ذرا ایک پڑھیے آپ
فستوب سيرو صوت كي نيچه زير توب سي 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 صوت كي فستوب سيرو ويوب سيرون فستوب سيرو ويوب سيرون چلیے بہت اچھا آگے بڑھیے واخبر على ما اصابها کیا ہے آیت واصبر نہیں یہ تو پہلے واصبر ہے واصبر پہلے امر کے ساتھ پہلے تھا یہ ہمزہ تو وصل ہوتا ہے بیچ میں نہیں پڑھا جاتا کتنی بار سمجھایا میں نے آپ کو واصبر کیا ہے واصبر واصبر على ما اصابك واصبر على ما اصابك چلیے آگے پڑھیے یہ کون سی آیت ہے یہ پڑھیے والصادقات شباش والصابرين والصابرات شباش بہت اچھا وصا اس طرح وقصد فی مشیق وغزوز من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير شباش یہ مذکر لو کہاں گئے طاہر ابھی وغیرہ طاہر اچھا آپ کچن میں گئے تھے پانی پینے کے لیے اچھا میں نے سوچا پانی پینے کے لیے تو نہیں گئے کہیں چلیے ٹھیک ہے آپ شرما رہے ہیں کیا آپ اس کو نہیں پڑھتے ہیں چلیے بیٹا تو ہمارے پاس چونکہ ٹائم بہت کم ہے یہ صرف 35-40 منٹ تک رہتی ہے یہ زوم کلاس تو یہاں ہم یہ جو آپ کو یہاں واٹس ایپ یہ سوری اس کی آڈیو فائل سننی ہے اور اس کے بعد یہاں ٹک لگانا ہے جیسے یہاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ بندہ جو ہے رکو کر رہا ہے یہ قیام کر رہا ہے یہ تلاوت کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم اس پہ لگائیں گے لیکن ہمارے پاس وہ فائل اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے چلیے بھائی تو اس کے بعد آئیے آپ اس تمے اور یہ بھی اس کو بھی چھوڑ دیجیے اس کے بعد آئیے آپ یہاں تبادل سوال اول جواب مازمیلک یہاں مکہ کی شکل بنی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں انا مسافر الی مکہ تھا انا مسافر الی مکہ تھا میں مکہ جا رہا ہوں میں مکہ جا رہا پھر آپ کہتے ہیں مجھے الی این انت مسافر آپ کہاں جا رہے ہیں میں کہتا ہوں انا مسافر الی المدینہ میں مدینہ جا رہا ہوں الی این انت مسافر آپ کہاں جا رہے ہیں آپ جواب دے رہے ہیں انا مسافر الی مکہ تھا ٹھیک ہے یعنی اگر دو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو کہے گا الی این انت مسافر آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں انا مسافر الی مکہ میں مکہ جا رہا ہوں پھر آپ اسے پوچھتے ہیں الی این انت مسافر آپ کہاں جا رہے ہیں تو جواب دیں گے انا مسافر الی المدینہ میں مدینہ جا رہا ہوں اسی طرح آپ ترکی کے بارے میں کہیں گے الی این انت مسافر انا مسافر الی ترکیہ الی این انت مسافر انا مسافر الی مصر اسی طرح سوریا اسی طرح سوریا اور اسی طرح پاکستان کو الفلام کے بغیر لکھتے ہیں پتہ نہیں اس نے ال پاکستان کیوں لکھا ہے یہ غلطی ہو گئی ہے پاکستان کو الفلام کے بغیر لکھتے ہیں البتہ ہندوستان کو الفلام کے ساتھ لکھتے ہیں الہند ایک دن مجھے ایک دوست نے پوچھا تھا ایسا کیوں ہے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا میں نے کہا تھا کہ بھائی پاکستان کے لوگ جو ہے وہ بڑے کا کھاتے ہیں تو اس لیے وہ جو ہے ان کو الفلام لگانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ انڈیا میں جو لوگ ہیں اکثر لوگ وہ کھاتے ہیں ویجیٹیبل کھاتے ہیں تو ان کو ذرا اس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے میں نے جو کہا تھا لیکن چونکہ اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے عرب ممالک بھی کچھ عرب ممالک سے الفلام لگتا ہے جیسے عراق کے ساتھ العراق ہے نا لیکن مصر کے ساتھ مصر الفلام نہیں اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے اور بھی ہے چند ممالک المملکۃ العربیہ السعودیہ اس کے ساتھ بھی الفلام لگتا ہے نا
अल इमारात भी कहते हैं, यूएई अल इमारात, इसके साथ भी लगता है अल्फलाम, लेकिन मिस्र के साथ नहीं लगता, क्या नाम है, सूर्या के साथ नहीं लगता, और भी है कई ममालिक उनके साथ नहीं लगता है। इसको देखना पड़ेगा कि इसके साथ लगता है कि इसके साथ नहीं लगता है। आप किसको पूछते हैं आयना तो सली अल जुमा था, अब जुमा कहाँ पढ़ते हैं या आप जुमा कहाँ पढ़ेंगे, दोनों माने हैं। आयना तो सली अल जुमा था, अब जुमा कहाँ पढ़ते हैं या आप जुमा कहाँ पढ़ेंगे, जवाब उसली अल जुमा था फिल मस्जिद अल हराम, मैं जुमा कहाँ पढ़ूंगा, मस्जिद हराम में। फिर है आयनो तो सली अल जुमा था, आप जुमा कहाँ पढ़ेंगे, आप कहते हैं उसली अल जुमा था फिल मस्जिद नबी, मस्जिद नबी में पढ़ूंगा। यही सवाल आप पूछे, एक लड़की पूछेगी दूसरी लड़की जवाब देगी, वैसे एक लड़की नहीं है तो दो लड़कों को होना चाहिए क्योंकि यहाँ मुजक्कर के सगे इस्तेमाल हुआ है। आयना तो सली अल 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 जुमा था, तो जवाब देंगे ताहिर कहाँ गया है, बस ये थी। हाँ पर जवाब दो ये थी आसुन क्या कह चुन प्रूव योर एग्जिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछता है आयना तो सली अल जुमा था, आप जुमा कहाँ पढ़ेंगे, आपको कहना है मैं मस्जिद बिलाल में पढ़ूंगा, तो आप अरबी में क्या पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, मस्जिद बिलाल फिल आएगा या फी मस्जिद बिलाल, फी मस्जिद बिलाल, क्योंकि मस्जिद मुजाफ है, क्योंकि मस्जिद मुजाफ है तो मुजाफ के ऊपर इफ़लाम नहीं आता, फी मस्जिद बिलाल, मैं मस्जिद बिलाल में पढ़ूंगा। नंबर टू, मगर फिल मस्जिद नबवी, हाँ ये तो मौसूब सिफत है, आप कल कहाँ थे, मैं तो कल ये बता दिया हूँ, ये मौसूब सिफत है, मौसूब सिफत के लिए अल आएगा, लेकिन हाँ लेकिन यहाँ बिलाल जो है ये प्रॉपर नेम है, तो मस्जिद इसकी तरफ जो है क्या नाम है मुजाफ है, बिलाल की मस्जिद, यहाँ वो मस्जिद जिसका जो जो बिलाल के नाम पर है, जिसका जो जो बिलाल अफ, समझ रहे हैं आप, इसी तरह मस्जिद उस्मान, मस्जिद यासिर, मस्जिद मस्जिद सूक, बाजार की मस्जिद, मस्जिद उमर, मस्जिद अली, ये सारी मजाफ मुजाफिले हैं। तो आप जवाब देंगे उसली फी मस्जिद बिलाल, उसली फी मस्जिद उस्मान, उसली फी मस्जिद यासिर, उसली फी मस्जिद सूक, मस्जिद मस्जिद सूक, उसली फी मस्जिद उमर, उमर वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आइए ये हिवार देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हाजा अजानुल असरी, ये असर की अजान है, असर की अजान है। हाँ तो दूसरा बंदा जवाब देगा हैया बिना अल मस्जिद, चलो मस्जिद चलते हैं, चलो मस्जिद चलते, चलो मस्जिद चलते हैं, लेट्स गो टू मस्जिद, कम ऑन, हैया बिना, अना उसली फिल बैत, मैं घर में पढ़ूंगा, पढ़ूंगा या पढ़ता हूँ, मैं घर में पढ़ता हूँ, घर में पढ़ता हूँ, हाँ मैं घर में पढ़ता हूँ, वो क्या बंदा वो क्या जवाब देता है, मस्जिद में पढ़ा, मस्जिद में पढ़ा करो, क्या हो गया आप कह रहे हैं कि मैं ये पढ़ता हूँ, शाबाश हैया बिना। तो अब आगे देखिए अजानुल फज्र क्या कहेंगे हम, ये चार सेंटेंस, हाजा अजानुल फज्र, दूसरा बंदा कहेगा उसको हैया बिना अल मस्जिद, चलो भाई मस्जिद जाते हैं, आप जवाब दीजिए भाई के, मैं घर पर पढ़ता हूँ, वो क्या कहेगा, फ्लैट पर पढ़ता हूँ, तो जवाब क्या मिलेगा, मस्जिद, क्या हो गया, मस्जिद में पढ़ो, शाबाश, आगे बढ़ो, जोहर और मदरसा, बहुत अच्छा, अजान जोहर, चलो मजे चलते हैं, उसली फिल्म, मैं स्कूल में ही पढ़ता हूँ, वो क्या जवाब देगा, क्या हो गया, मस्जिद में पढ़ो, इसी तरह आप गुरफा ये मगरिब और इशा के बारे में बनाएंगे, हाँ तो अब आइए भाई, हाथी जुमलन कमा फिल मिसाल, जैसे मिसाल में दिखाया गया इस तरह आप भी जुमले बनाओ, यहाँ है अल फजर, यहाँ है अल बैत, असमा ओ अजान अल फजर फिल बैत, मैं घर पर फजर की अजान सुनता हूँ, अता वज़ा ओ वजू करता हूँ फिल हम्माम, गुसल खाने में, हम्माम में, हाँ हमाम है, ये वो नहीं है कश्मीरी हमाम, गुसल खाना,
बाथरूम वो उसल्ली अल फज्र की मस्जिद और मैं फज्र मस्जिद में पढ़ता तीन सेंटेंसेस है अस्माउल अजान अजान अल फज्र फिल बैत नंबर टू अतवज्जा फिल हम्मार नंबर थ्री वो उसल्ली अल फज्र फिल मस्जिद और मस्जिद में पढ़ता हूँ अब ये तीन सेंटेंस यहाँ बनाइए जुहर और मदरसे के बारे में चुप हो जाओ आसमा अजान जोहरी फिल मदरसे थी मैं जोर की अजान सुनता हूँ मस्जिद ये मदरसे में अतवज्जा फिल हम्माम बाथरूम जाकर वुज़ू करता हूँ उसल्ली अज़्ज़ुहर मस्जिद में पढ़ता हूँ असर और शक्का अस्मा अज़ान अल असर शक्का थी हाँ अतवज्जा फिल في الحمام واصلي العصر في المسجد في المسجد اسی طرح مغرب اور عشاء کے بارے میں اپ بنائیں گے ٹھیک ہے شاباش اور حوار پہ ائیے بہت ہی اچھی حوار ہے ذرا اس پہ غور کیجئے اين تصلي الفجر الفجر کہاں پڑھتے ہیں فجر طارق اور یاسر طارق اور یاسر کے درمیان گفتگو ہے فجر کہتا ہے اين تصلي الفجر दूसरा बंदा क्या है उसल्ली अल उसल्ली मस्जिद तारिक मस्जिद तारिक मस्जिद तारिक व अयना तु सल्ली अंत आप कहां पढ़ते हैं जवाब उसल्ली मस्जिद यासिरिन ये उसल्ली मस्जिद यासिर में पढ़ता हूं बहुत अच्छा मैं मस्जिद यासिर में पढ़ता हूं जरा आप देखिए अब यहां है हमारे पास दो अज़्ज़ुहर मस्जिद बिलाल मस्जिद फैसल क्या कहेंगे आप अपने साथी को कहेंगे अयना तुसल्ली अल ज़ुहर अयना तुसल्ली अज़्ज़ुहर शाबाश जवाब देगा उसल्ली ज़ुहर फी मस्जिद बिलाल फी मस्जिद बिलाल बहुत अच्छा अयना तुसल्ली अंत उसल्ली फी मस्जिद फैसल बहुत अच्छा उसल्ली फी मस्जिद फैसल मैं मस्जिद फैसल में पढ़ता हूँ ज़ुहर नमाज शाबाश इसी तरह दूसरा देखे अयना तुसल्ली अल असर शाबाश आप कहेंगे उसल्ली अल असर फी मस्जिद सूक मार्केट की मस्जिद में अयना तुसल्ली अंत उसल्ली फी मस्जिद अल हय मस्जिद अल हय मीन्स मोहल्ले की मस्जिद है मैं मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ता हूँ ठीक है शाबाश बेटा ये आप बाकी जो है बाकी आप खुद करेंगे इसी तरह अब आप आगे आइए जो मैंने एक पिछले लेसन में भी एक ये दे दी थी आपको अजीब अन्य लसले था इन सवाल के जवाब लिखिए अरबी में लिखने की कोशिश कीजिए अपने पास एक कॉपी बनाइए हाँ हल तस्तई की जो मुताकिन क्या आप लेट से उठते हैं नाम अस्तई की जो मुताकिन है ना ला ला आप कहेंगे ला अस्तई की जो मुबक्किरन नहीं मैं जल्दी उठता हूँ शाबाश नंबर टू अयना तुसल्ली अल जुमअत नहीं 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 ये टू नहीं शाबाश शाबाश नाम अस्मा अज़ान अल फज्र बहुत अच्छा शाबाश फिर तीसरा क्या है हल तुसल्ली अल फज्र ला उसल्ली अल फज्र फिल मस्जिद बहुत अच्छा आपका बंद हो जाता है जब आप बात करते हैं मेरा भी सुनो चलो बेटा ये क्लियर हो गया कि आप इन ये ऐसे सवाल आते हैं जो ऊपर आपने पीछे पढ़े ठीक है इनको जरा आप अपने इस पर कॉपी पर मेंटेन कीजिए और आप अगर किसी को कोई इसमें से कोई पार्ट है जो रह गया है जो आपको नहीं आता है तो कोई मसला नहीं आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आराम से बता दूंगा ठीक है शाबाश यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है अभी हमारे पास है अभी और चीजें लेकिन मैं यहाँ पे एक एक करके आपको अभी हमारे पास एक मिनट है एक एक करके मैं
आपको एक क्या नाम है या इसको जरा फिर से हम देखेंगे किस सवाल को जो आज हम जो मैंने कल के लिए लिखी थी इसी को आईना तुसली अज़ोरा वाल आसरा तो आप जवाब क्या देंगे फिल मस्जिद या फी मस्जिद बिलाल फी मस्जिद बिलाल शाबाश आईना तुसली अल जुमा आईना तुसली अल जुमा था चलो बेटा हमारा टाइम खत्म हो गया हम यहीं पे आज के सेशन को रोक रहे हैं कल इंशाल्लाह ताला अगर मैं ड्यूटी नहीं गया तो कल इंशाल्लाह ताला फिर से 2 बजे मुलाकात होगी तो अगर मैं ड्यूटी गया तो मैं आपको मैसेज दे डाल दूंगा इंशाल्लाह ताला तब तक के लिए खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।